गरीब आदमी धनी से डरता है और धनवान डरते हैं बलवान से और तीनों डरते हैं चरित्रवान से। रावण के पास एक ही चीज में न्यूट्रल था, क्या? तो उसके पास चरित्र नहीं था। ये पुस्तक लिखी गई है राम चरित्र मानस, ध्यान से सुनिएगा, कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सभी लोग सुने हैं, लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सामने सत्य क्यों लगाया गया है, अब इस पर सोचना है। एक भी मंदिर पर आप ना जाएं, कोई पूजा ना करें, कोई प्रवचन ना सुने, कोई प्रयाग ना नहाएं, कोई दान पुण्य ना करें, लेकिन वीरेंद्र बाबा व्यास गद्दी से बोलने जा रहे हैं, अगर व्यक्ति जीवन में केवल सत्य बोलना जान जाए, केवल सत्य, संसार की दुनिया की सारी पूजाएं हो गई। महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य के नाम पर ये सारी कथाएं हैं। आज को कथा को बड़ा प्रेम से सुनना कि वीरेंद्र आज कथा में क्या डाले और हम लोग के लायक प्रवचन है कि नहीं है। तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं, देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वहां का नियम, उनकी राज में जौना समय में उनका तपता रहे राजा हरिश्चंद्र के, बाघ या बकरी एक घाट पर पानी पिए, बाघ या बकरी एक घाट पर पानी पिए, उनकी राज में केहू अयोध्या में झूठ ना बोले। एक बेरे का महिला झूठ बोलल है, ध्यान दीजिएगा, एक औरत एगो बच्चा लेके जात रहे, गोद में लड़का ले ले रहल, साल भर के बेटा अपना गोद में ले ले रहल, और रास्ता पकड़ के जात रहे तो दूसर औरत जाके ओकर लड़का छोड़ ले अलस, उसके बच्चों को छोड़ ली दूसरी महिला, ओकरे बच्चा के छोड़ के लगल लेके भागे, ई कहे कि हमारा बच्चा मेरा बच्चा लेकर जा रही है, मेरी बच्चे को, मेरे बच्चे को देखो। अब दुनिया के लोग घेरा था, भागत या लड़का लेके भागत भागत गई, पकड़ा गई, 500-600 लोग जुट गए। पूछा लो बच्चे को लेकर क्यों भाग रही हो, कलश की सरकार ये मेरा बच्चा है, इन बच्चों को बैठाओ ना थोड़ा, बिलाल बाहो भाई ये लड़का ले आवा तो छोट छोट भीड़ काफी है, बच्चों को थोड़ा रोको ना, अबे एने उन्हें हो जाएगा सब, बैठाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। ई कहल कि साहब हमारा बच्चा है, मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, तो जौन ले रहल कहलस कि जौने के लैकवा नहीं रहे, बड़ा हबस हबस रोवे है, क्योंकि जे छेकावा ता उ कहीं जज के सामने जाई तो तनको दब के नहीं बतियाई, जैसे बुझाई यही के पपौती हो, चोरिया जौन कैले बा उहे तो 20 बतियावता, हम इतनी पर के बोलतानी, कोनो सिपाही आई तो कोनो चोरे के जल्दी नहीं पकड़ पाई, साधुया तो पकड़ाइए जाई, साधु कहाँ जाएगा मां महाराज, आज साधु का सपोर्टर कोई है भी नहीं, एगो साधु का गवाही देव के लगा दो तो चार जने खड़े नहीं हुई है, आ कोनो नंबरी पी अकड़ बा चोर बा कर देखो को संगतिया बाड़े न बाड़े, ओकर सतवा 20 गो बॉडीगार्ड बा, पी के अल्टर भइल बा, गरियो देले बा, चार गो सपोर्टर जाके छोड़ाइयो लिए सो। अरे दुनिया वाले, ये दुनिया है दो तरह के लोग बा, ए बाबू तहियो सुन लो, दो तरह के लोग बा, अगर चोर बाड़े तो साहुओ बाड़े, झूठ है तो सत्य भी है, इतनी पर मांस मछली रचबच खाए वाला लोग बा तो पनीरवो या काजू बादाम खाए वाला लोग बा नहीं बाजी, कहो सभे कले खा बा, गांव में लगावे बजावे वाला लोग बा, झगड़ा करावे वाला लोग बा, तो तनी सहियो बोले वाला लोग बा, अगर सब एक तरह से हो जाए तो बर्बादे हो जाएगा समाज। बोलो शंकर भगवान की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पकड़ के वो औरत के ले आए लोग, राजा हरिश्चंद्र कुर्सी पर बैठा लेना, कहले क्या बात है, तो जोने के बच्चा नहीं रहे, कहे सरकारी हमार लड़का है, हमारा बच्चा के छोड़ के लेके जात रही है, और जोना के रहे कम रोवे, कहले साहब हमार सही आदमी कबो संतोष करी, कहियो तो पारी आइए जाई, अबे आवता देखा तोरे समल में, मैं कुछ करे के नहीं, दलाली नहीं देगा घूस ना। हरिश्चंद्र कहे बच्चा तुम्हारा है, तो जौने के नहीं रहे बड़ा रोवे, कहले सरकारी हमार हमार बेटा है, आज जमुना के रहे तनिक कम रहे, कल से साहब हमार लड़का हो, कल से ही बोलो किसका है, तो दोनों कहे हमार हो, हरिश्चंद्र कहे फैसला नहीं होगा, अपने सिपाही से कहें कि तलवार ले आओ, तलवार ले आओ मेरे सामने, सिपाही तलवार ले आई, कहले तलवार से बच्चे को दो टुकड़ा कर दो, सुनाता बतिया ना, कहले तलवार से बच्चे को दो टुकड़ा करो, आज अब सिपाही तलवार उठौल,
तो जौन पेटे से बच्चा के पैदा कर रहे कल से सरकार हम झूठ बोल रही हाँ हमार लड़का ना हो। जौन पैदा कर रहे वो कल साहब ये हमार बेटा ना हो, हम झूठ बोलत रही हाँ। कलश की बाबू हमार बच जा कहीं रही के जियल करें, इ तलवार से काटने जा रहे हो सकता है कि ईरखा में काटिए दे। तो जौन पेट से पैदा कर रहे कल साहब मेरा बच्चा नहीं है, मेरा नहीं है। अच्छा बताइए परीक्षा लेना है कि हो गया? नहीं बोलेंगे मैं बतावे के बाकी बुझ गए ले। तलवरवा जब उठौले सिपाही तो जौने के बेटा पैदा के ले रहे कल साहब मेरा बेटा नहीं है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछने लगे कि तुम्हारा बच्चा है ये? तो जौन ले ले रहे बरियाई से कल साहब मैं झूठ बोल रही थी, मेरा बच्चा ये नहीं है। नहीं कह दे सु, जब नहीं कहले तो खमिया में बनवा के अब 50 कोड़ा मरवले। कहले कि आज से सब कुछ करना लेकिन हमारे अयोध्या नगर में कोई झूठ। सत्य के नाम पर कथा होने जा रही है, बड़ा भाव से सुनने का प्रयास करना। रामायण की चौपाई मैं उठा रहा हूं, कहीं अलग से कथा नहीं है। तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं 3 ताल 16 मात्रा की चौपाई है यह। राग में गाने बजाने वाले लोग भी गौर करेंगे, जो यहाँ गाने बजाने वाले भी लोग बहुत बैठे होंगे, आपके गांव में भी कीर्तन भजन सब लोग आते हैं। 3 ताल 16 मात्रा में चौपाई है ये। हरिश्चंद्र की कथा हम कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? रामायण में तुलसी बाबा लिखे हैं का? तुलसी डायरेक्ट कह रहे हैं और शंकर जी की प्रेरणा से ही रामायण लिखी गई है कि धर्मन दूसर सत्य समाना। तुलसी बता रहे हैं कि कोई धर्म संसार में नहीं है, किसके सामने? सत्य के सामने। अरे धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, निगम पुराण बखाना। चौपाई को जितने हमारे मास्टर बैच के लोग पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा गौर करिएगा। मानस में तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दुनिया में कोई धर्म सत्य के सामने सब फेल है, चाहे कितना दान ले लो, कितना पूजा कर लो, कोई भी व्यवस्था कर लो, लेकिन झूठ बोलने वाले के सामने सारा दान फेल हो जाएगा, सारा पूजा फेल हो जाएगा। हमने के आदत पड़ल का बा, हमें तो कोई झूठ बोलत नहीं हो कबो। हमारा बहन लोग और मालिक से कबो ना बोलत हो, बड़ी लीला है महाराज। कथवा हमार बदले खातिर होता, बिगड़े खातिर ना, तनी बदलल जाओ। सथवा केहू ना जाइए, ई डुप्लीकेट मर्द हो जौन सेनूरा लगौले बा। डुप्लीकेट मर्द, डुप्लीकेट बेटा, डुप्लीकेट भाई, डुप्लीकेट हस्बैंड, डुप्लीकेट औरत, डुप्लीकेट मौसी मौसा लड़का नाती नतकुर, ई सब डुप्लीकेट मिलल बा फिर छोड़ के जाएगा बा। अच्छा जो साथ जाएगा ना वो अपना है? नहीं बोलो, हम लोग के साथ है जो नहीं जाएगा वो अपना है। अब परमात्मा कभी साथ छोड़ते हैं? कहो मई के पेटवा में से नहीं जाता, भगवान है कुल्हियों में कई ले अली जा तब देख तड़े आ जाहू के बेरिया बहिया पकड़ी है वह है बाही कैसे पकड़वाऊ चाहे डुप्लीकेट लोग से कि असली है। मैं तो केहू केहू उनके खींचत हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान देना, बड़ी अच्छी कथा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ये हरिश्चंद्र के सामने चौपाई लिखी गई है। और जितने यहां विद्वान बैठे हैं गौर से सुनना,
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता है। 99 को जग हरिश्चंद्र कर चुकल बड़े, एक को जग औरी बाकी बा। अच्छा बताई 100 को जे जग कल है ओके कोनो जगह मिली कि ना मिली? भगवान के बगलिया में बैठी आई कथावा जे सुना था अपना के तनिको डाउन ना बुझिया। अगर जीवन भर जबले जियल जाता कथा सुनल जाता आ निमने सुनल जाता तो कबो न सोचिया कि वीरेंद्र बाबा हमारो नरक होई ना। बैकुंठ जाना है, सुरधाम जाना है, गौलोक जाना है, विश्वास करके भगवान की कथा को सुनो प्रेम से। अगर कथा को मजाक समझ लें, प्रवचन को मजाक समझ लें, ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है, ड्रामा नहीं है, नाच नहीं है, ये सब देखने वाले लोगों का नरक हो सकता है, गलत हो सकता है। एक ही रात में बोला के 20,000-25,000 खर्चा करके और बर्बादी का गाना बजा करके आप गंदा माहौल कर दे रहे हो। कितनों बढ़िया केहू गायक आ जा, पवन सिंह आ जा, मनोज तिवारी आ जा, खेसारी आ जा, है केहू का बेटी बहन यहाँ सुने हो आई केहू? आ कथा में घरवा में जो दुल्हनिया बाबू हो फटकवा बन कर चल आयल बा, दुकानी पर गोयल बनाऊ देखिए सुनिए हम तो जाता नहीं कथा सुने। ये कथा का देन है महाराज। अगर जीवन में कथा उतर गई तो सब कुछ मिल गया, और जिनके जीवन में कथा नहीं उतरा कुछ प्राप्त होने वाला? बोलो शंकर भगवान की जय। अब इंद्र के दरबार लगाता जे है पनिया बरसौला है कथवा ये शुरू होता। बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग बैठल बड़े, सारा देवता लोग बैठल बड़े, बैठकी भइल बा इंद्र के दरबार में सारा लोग। देखी चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी जीते कई बार इंद्र के सहायता करे गए बड़े। आप रामायण को पढ़िएगा, देवासुर संग्राम में जो गए हले जियत रहले तबे गए हले, आ मरू गैला के बाद दशरथ जी लंका में आई हले। एक जने कहले कि वीरेंद्र बाबा ई रौरा कथा में का बोलता नहीं, कहाँ से कहाँ? हम कहीं जौन पढ़ले बनी हुए बोलता नहीं। मर गैला के बाद दशरथ जी लंका में गए हले कब? जब राम जी सीता के लेके अयोध्या उतर रहे तब दशरथ जी गए। लंका कांड की चौपाई है पढ़िएगा। तेही अवसर दशरथ तह आए आ तनय बिलो की नयन जल छाए। दशरथ जी पहुंचल बड़े आ दशरथ जी की आंख में आंसू बा। अनुज सहित प्रभु कीन्ह प्रणामा। राम लक्ष्मण दशरथ जी के प्रणाम कैले। दशरथ जी जियत रहे तब आ मर गए तब स्वर्गवा में हरदम आवे जा। जब निमन कल जाइ तब नई रास्ता खुलल रही। हमने के एक बेर के गैले के बाद का जानिए दादा यही में सोचे लोका जानी बकरी बनल जाई आ कि हाथी बनल जाई कि पणोहा के कीड़ा बनल जाई। राखी धरली सो मेहरारू देखबे गोड़वा का उगल बा। एगो हमरा घर के बगल में औरत आलित करते बाबा चिड़ई के जन्म माई पवले बा, मनी पगलाइल बड़ू ढेर। तार परिचय है कभी ऐसा पहचान न करो। बढ़िया कर्म करने वाला व्यक्ति कभी बुरा जन्म पाएगा नहीं बोलोगे? है? अच्छा जो कांटा से कर्म करेगा उसके जीवन में बढ़िया तो होना ही है महाराज। वीरेंद्र बाबा व्यास गद्दी पर बैठ करके और नकली काम करें, ये पैसा ले जाकर गलत यूज करें हम तो हमारा बर्बाद होगा कि नहीं होगा? और ठाकुर जी ने कथा के माध्यम से मुझे क्या नहीं दिया महाराज। देश प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार तो छोड़ दें, बाहर का बेल्ट पूछे पंजाब दिल्ली बंबई की बात, बड़े बड़े सिटियों का कार्यक्रम आराम से आप लोगों के आशीर्वाद से करते हैं। लेकिन निवेदन ये है कि अपने विचार को पवित्र रखा जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए कथा एजू आयल बा। इंद्र के दरबार लगल बा। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग बैठल बड़े और वही दरबार में नारद जी नारायण 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 करत पहुंचल बड़े। भगवान इंद्र जब देखले तो कहले नारद जी आई आसन ले बैठी ना। नारद जी कहले सरकार बैठे ना आयल बनी, हमरा उरा लगाइल बनी आज तनी कुछ बतावे। भगवान इंद्र कहले कि का बतावे आयल बनी? कहले बतावे ये आयल बनी महाराज, ये धरती पर समाज पर तो बड़ा तरह तरह के लोग बा, लेकिन मृत लोक में उत्तर प्रदेश में एगो जगह बा अयोध्या। कौन जगह बा? अयोध्या। वही जुकर रहे वाला चक्रवर्ती नरेश है। चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ रहले। अब वही जुकर नाम धैले कि हरिश्चंद्र नाम राजा के बा। अब उनका आगे लिखल बा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहले मतलब कहले कि सरकार 99 को जग कब भइल बड़े आ एक जग अगर पूरा करी है तो इंद्रपुरी लेवे के क्षमता उनकी लग बा। रौरी दरबार के राजा बन सकेले। भगवान इंद्र कहले नारद खोल के बतावा हम समझली ना। क
कहले रोज कम से कम 51 गो ब्राह्मण के दान दे ले। और उनका दान पुण्य देख के महाराज इलाका में दहशत मच गई बा कि इतना सत्य पर चले वाला कोनो व्यक्ति पैदा ना भई। ए दादा इतने बतिया नारद जी बतियोले, हे लइकन के तनी खड़ा करई बा बाबू के बाओ एने अमन आगे। हे तीन गो लइका देखा के कर हवे सो, ए तीनू का खड़ा करा के तो डीसी में करना तो पीछे बैठा हो। ए ए चारो रहे हम को ले बने चारो तो हम लड़का खेलाएंगे कथा कहीं ना जौन कहीं तो उन्हें करी हो तो कहीं तो लड़कवे खेलाई बैठ के हमें घंटा। अरे 5000 लोग जुटा के लड़के खेलावल जा, बच्चों को थोड़ा डांट लो, हम भी जानते हैं बच्चे हैं, थोड़ा डांट करके बैठाओ। ऐसा नहीं करो, बार बार उठेगा बैठेगा डिस्टर्ब ना होंगे, कथा चल रही है बीच में डिस्टर्ब ना करें आप। हमारो टाइमो बड़ा कास्टली बा ना, रात में कथा गोरखपुर साइड में हो रही है, फुर्सत में हम नहीं है, हमारा तो रोल दोनों टाइम पर बचन है। तो आप सुनने का प्रयास करो कि वीरेंद्र क्या बोल गए। बोले शंकर भगवान की जय। कहले कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जैसा राजा कोई वो अपने प्रदेश में नहीं है धरती पर। महाराज हम मृत लोक से आ रहे हैं। इंद्र भगवान कहले नारद जी जौन तू बात बतियोला हमारा तो धड़कन होता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम जौन दैल ई राजा बाणे कैसन। कहले महाराज का कही हम कितना बड़ाई करी, हमरा नजर प्रोशन राजा के उबाना। आई है बतिया बतौले तो बिचवा में विश्वामित्र जी बैठल हल। हरिश्चंद्र के गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, रघु के गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, दधीच के गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, मनु शत्रुपा के गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, दशरथ के गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज और राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज। बड़ा प्रेम से कथा को समझना। विश्वामित्र में या गुरु वशिष्ठ में पटरी कबो ना रहे। दू गो साधु अगर लड़ाकू बने तो कबो पटरी रही ना। आ सजी जाति में तनी प्रेम मोहब्बत बटलो बा, हमारी बिरादरी में और पीटा पीटी बा। चार गो विद्वान एक लग रहे ना, हमें केहू निंदा दूसर करे चाहे ना, अगर तनिको होशियार कोनो पंडित बैठल हो तो जरूर जाई चार गो बात कही वीरेंद्र बाबा का बोलना का जाना तड़े। अहे मैकवा धरा दे जाए बा 10 मिनट बोल तो उनका बुझा जाए कि हाँ एड़ी से पसीना नीचे से ऊपर जाए लगी का बोल रहे हो। हत्त करेजा हो ते ही जिसे अपन शब्दवा रखी। जेकर बेटा निमन होई, लायक मेहरारू निमन होई, भाई निमन होई, परिवार निमन होई ते इतना दहाड़ के शब्दवा बोल पाई। नेता के भाषण नहीं है, हम तीन को जगह बताई ले। भगवान की कथा में आना है तो प्रेम से बैठ जाओ, प्रेम से बैठ करके कथा आगे से सुनो, ये बालकनी है। और पिक्चर हॉल में जाएं तो पीछे का टिकट ले ले बढ़िया दिखाई देगा। और नेता की भाषण में जाएं तो खड़ा होकर भाषण सुने, कोई ठीक नहीं कि लाठी चार्ज कब हो सकता है। समझ में हो तो बात कितना है, जितना शांति से होता कथा कहीं भाषण हो पाइए तरह हो पाई, पैसा भी नेता आ जाएगा हल्ला रहेगा महाराज। तो ये भगवान की कथा में आप लोग आए हैं, प्रेम से सुनो। विश्वामित्र बाबा कहले कि नारद तनी एक बेर बोला बोला का कहली है। नारद जी कहले कि विश्वामित्र जी ध्यान से सुनो, सरजू के किनारे अयोध्या नगर बा, अयोध्या के रहे वाला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र 99 को जग कर चुकल बने, एक जग और बाकी बा। आ सुन ली, रोज सुबेरे स्नान करके पहले दाने पुन करी बाद पानी पिए ले। विश्वामित्र बाबा कहले कि ए नारद, अरे बड़ाइयो बतियोला तो उनका बड़ाई जेकर गुरु वशिष्ठ हम, उनका बड़ाई उनकर बड़ाई। बड़ाई जब किसी का होता है तो कान से सुनना चाहिए, बड़ाई सस्ता चीज नहीं है। बुराई करने वाले लाखों मिलेंगे लेकिन बड़ाई करने वाले इतने पब्लिक जुटी है, इसमें 10 लोग हमको बुरे कहे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। हाजी भगवान को लोगों ने बुरा बना दिया, ए सीता को लोगों ने अब पवित्र सा क्या क्या लोगों ने कह दिया, जो खंड नायक परमात्मा है ब्रह्म को लोग गलत मान देते हैं। तो वीरेंद्र तो आपके तरह से जैसे आप हैं वैसे हम हैं महाराज। बोलो सच्चे दरबार की। कहले कि विश्वामित्र जी कहले नारद तो अब तू जा, लेकिन एक बात सुन ले, आज फाइनल हमारा बता दोगे बा कि कितना बड़ा दानी हरिश्चंद्र बाण। ए बाबू राति के अब लीला शुरू कर दे, राती के लीला। विश्वामित्र बाबा सोटा लोटा कमंडल ले,
आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में अपना बिस्तर पर सुतल रहले। इनका औरत के नाम तारा बतावल गल भाई, एक नाम सभ्या, एक बेटा बतावल गल जौना लड़का के नाम रोहित हो। रात में गईले आ सपना में जाके सपना में कहले कि जय हो जजमान। हरिश्चंद्र देखा था ना कि हमारा दरवाजा पर केहू ब्राह्मण पंडित आवता संत आवता, जब देखले तो प्रणाम कैले, कहले सरकार बोली, कहले कि तोहरा दुआर पर आयल बनी कुछ मऊ मांगे। कहले सरकार यहाँ मंगले की जरूरत नहीं था, जहाँ सदा वर्त बटाता वो जो मांगल जाई, वो जो मांगल नहीं जाई, और जौन इच्छा होकर तौर मुँह से कही। विश्वामित्र कहले कि ए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, पहला प्रश्न हमारी बा कि जहां तक ले तोहर घोड़ा गई बा, चाभी हमके दे दई राज हमार। सपना में हरिश्चंद्र कहले सरकार हम देता नहीं। कहले जितना खोस खजाना तोहर मलिकई बा, चाभी हमके दे दई मलिकई हमार बा। सोना चांदी के तिजोरी रुपया पैसा जितना बा, खजाना तीन गो चीज हमके संपत्ति दे द, आज तोहके तीन गो चीज हम मांगत नहीं संपत्ति में दान दे द। सपना में हरिश्चंद्र तीनों चीज दान दे दिले। आ दान देहला के बाद विश्वामित्र बाबा तराते में चल गए। हरिश्चंद्र बिछौना पर बैठ के सोचा था, नहीं सपना देखली है तो सपना में संत नहीं, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, आ ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान, अब मोहबा भरोस हनुमंता, अब बीनु हरि कृपा मिलही नहीं। बिना परमात्मा के कृपा के संत से भेंट ना होला। कहले सरकार आप दरवाजा पर आई बनी तब तक दे भाई के परि देव करो। सजी ले दे के चल गए हे बाबू। आ जब भोर भल तब तारा जगौली, कही नाथ बिस्तर पर से चली, अब सुबेरे स्नान ध्यान करी दान पुण करी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले रानी हम रात के बड़ा ऐसा सपना दिखले बनी, सपना के बाद का हो सकेला, सपना में अगर दान दे आ जा तो मानल जाएगी ना। कली रविराज सत्य बोली तो मानल का ना जाई, का दे ले बानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले रानी ई मत पूछ का दे ले बानी, देवे तो हम बहुत कुछ दे ले बानी, या भगवान के कृपा होई हन वही जो राम रची। ए बाबू ज्यों सुबेर भइल तौले विश्वामित्र बाबा पहुंच गईले, लाइन लगल बा दानी दे, जितना मांगे वाला पंडित बा लोग लाइन लगल बा। अब विश्वामित्र बाबा जब देखले कमंडल सोटा लोटा हरिश्चंद्र, तो कहले तारा यह पंडित जी हमें जब सपना में आई लहले। पहले एक बात बताइएगा जितने लोग यहाँ है, स्वपन का बात सत्य होता है कि झूठ? सपना के बात सही होला कि झूठ? दोनों न तो कहो, एक को कहो है जिनरा तो दिन झूठे बोलता उकरे कहते सही होई। सपना के बाद 100 में 100% सत्य, किसके लिए? जो सत्य बोलने वाले हैं। हम रामायण से आपको दिखा रहे हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, सुंदरकांड की चौपाई है। पढ़े लिखे लोग पंडाल में खड़े हैं बैठे हैं, क्षेत्र में आपकी कथा तो बहुत सारी कथाएं हुई हैं, लेकिन इस कथा को समझने का प्रयास करना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा सपना देखल, सपने बानर लंका जारी, सपना में बानर आई लंका फूक के चल गए। लंका जरल की ना नहीं फुकाई, नहीं बोलबा हो, सपनवे के बतिया हो। सपना में देखलस कि गदहा पर रावण बैठल बाना, बार छिलाइल बा और दक्षिण पड़े गईला हो, रावण उफर पड़ल मर गेल ना, ना बोले नहीं बोले, अब हेने आ जा। उहां राम रजनी अवशेषा आ जागी सी स्वपन एक देखा, काल कथा में बतौले रही। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आवतड़े, इस सपना के बाद सत्य भल कि ना, ना भाई। भरत जी सपना देखले अपने ममहर में कि अयोध्या में कोनो बाउरकार होता, दशरथ जी मरल हल, इस सपना सही भल कि ना। रमेड़वा में जो को सपना देखल बा तब तो सब कांटा उतरल बा सत्य बा, कहीं अगर गलत हो तो कोई बताए। सपने का बात सब सत्य होता है, बोलो शंकर भगवान की जय। तारा कली नाथ रोवा सपना में का देखले बनी, कहले देखले बनी तो समान में होके जाता। ए बड़ा टाइम लागल, ए बहुत टाइम लागल मोटर, तन हे जो बैठा है ना क्या करो की गटरी मोटरी का हो, कौ घंटा खो जाई, मोबाइल भी लेलबा का होई में देखबा, बोलो ना 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 बुझाता। चली 101 रुपया 5 किलो, हम रुपया चाउर ना बोल, क्यों के ना बोल, हमारी मान के रुपया चाउर ना बोल बा, इतना गजाल बा क्यों को बोलनी हो।
हम कथा कहे कि रुपया चार बोली, चलो इधर लो एक के बेर बोल अब लास्ट में। हम रोज कही ले आओ सनम जाओ सनम वाला काम ना करें आप, एक बार आओ सनम, एक बार, एक बार, बार बार नहीं। कथा को बड़ा ध्यान से सुनना, आज के कथा जौन चलत आ रुरा के एकदम बदले वाला कथा बा। तारा गैली कली नाथ रुराई बताई कहल का चाहतनी। हरिश्चंद्र कहे रानी यह बात बा, यह पंडित जी हम सपना में जौन बाबा आई हल हम रात के देखले बनी। विश्वामित्र गैले कहे राजन तारा दुआर पर आयल बनी, अब ते सुबेरे सुबेरे आयल बनी कुछ दे दो। मशीन कुछ पकड़ रहे हो, आवाज बदल गया, बदल गया आवाज। हरिओम, सपना में कुछ देखली हाँ। हरिश्चंद्र कहे रानी अब पते चल जाता। जब विश्वामित्र अले तो कहे राजन सब लोग के दे तड़ा हम मांग ही आयल बनी। कहे सरकार दिल खोल के मांग ली, कहे इतनी पर दूसर कुछ ना मांग, खाली 60 ही भर सोना हमके तू दान में दे दो। हरिश्चंद्र अपना मुनि मैनेजर के बोले बोले कहे तिजोरी खोल के ले आओ सोना, सोना खोल के ले आओ। विश्वामित्र कहे कि ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, अब काम बिगाड़ो आपनो जग में हो। तू राती में कुछ दान देले बड़, कले हाँ देले बनी, कले काका, कले सरकार सजी संपत्ति दान में दे देले बनी, कले जब तिजोरी चाबी दे देल, अपना घोड़ा के चाबुक दे देल, अयोध्या के सारा राजधानी के मलिकाई हमके बना देल, तो सोना उमे से कैसे दान देब, सोना कैसे दान दे सकेल। हरिश्चंद्र तो कांपे लगले, कहे तारा बात तो सत्य हो गई, सपना की बात कभी झूठ ना मानना। अगर सत्यता आपके अंदर है और जितने मार्केट के लोग यहां आए हैं, थोड़ा ध्यान से कथा को समझिएगा। तारा कली नाथ तब का कही जा, कहले 60 भर सोना देव के बाद सरकार, तई सोना रुरा अब्बे लेब की बाद में, कहले चाहे जहां से दो लेकिन सोना हमके चाहिए। हरिश्चंद्र कहले अब अयोध्या के राजा, अरे अयोध्या के तो राजा रही नहीं गई, अब हरिश्चंद्र रही नहीं गई, अब जब दान में सजी दान दे दी तो हमारा लगवा का। लेकिन हरिश्चंद्र कहले तारा एगो काम कर, अब हमनी के चल के कहीं अपना शरीर के बेचल जाओ, इतना जल्दी 60 भर सोना कमा ना पाए, शरीर के बेच के आइए संत जी के विश्वामित्र बाबा के दान दिया जा। तबले रोहित आयल बाड़े कहले पिताजी रोरा रोवत कहे बनी। हरिश्चंद्र कहले पुत्र ये साधु बाबा के दान दिया इल्बा। रोहित कहले अरे आए पिताजी का किए अब सर्वस दिए गवाए, ऐ पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए, बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी बिना जनले बुझले रुरा चाबी कहे थमा दिली। हरिश्चंद्र कहले बेटा ई धर्म में सोचल ना जाला, धर्मात्मा आदमी कबो इनाई सोची कि हमार बनी की बिगड़ी, भगवान खातिर खारा पर उतरी, अब दान दे देले बनी तो का भाई ई अयोध्या छोड़ा लोगन। महल में से तारा के बोले रे, तारा कहली कपड़ा लता, कहले कुछ मतलब, शरीर पर जौन वस्त्र पहनले बड़ू पहन लो, हमारे देही पर जौन कपड़ा भाई रही, अरे नंगा तो कराई ना यहाँ के, और रोहित के देही पर जौन कपड़ा बा, रोहित के हथवा पकड़ के तारा के बहिया पकड़ के जब घर में से हरिश्चंद्र निकले, विश्वामित्र बाबा कहले पहले वादा करी कि कहिया ले दे, को दिन में, कहले एक गो डेट हम दे, सब देव देव हैं शंकर जी, जहिया वो दरबार में पहुंच जाए तहिया रुरा के हम दान दे दे। हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा देवता के बाद इन पर धरती पर माना जाता महादेव, हमारा हनुमान जी वह ना ही सगरी देवता, तनी अला में देहले में कसर करे ले। विश्वनाथ धाम आप बनारस में गए होंगे, लेकिन हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ के जब लेके चले लगले, महल में रहे वाली रानी देखी समाज हमनी के समय कब कैसन हुई, यही में बहुत लड़की राजा घरे बिहल लिया गरीब हो गई, अब बहुत गरीबे घरे गए लिया राजधन हो गई,
नसीब अपना अपना। बहुत लोग कहला बेटी के ब्याह बढ़िया घरे करब, अगर ओकरा कर्म में नहीं लिखल बा तो जाइयो के का करी कुछ रही ना, सब नसीब के खेल बा बाबू। आई नसीब पेटवे में लिखल जाला। आज हरिश्चंद्र तारा के लेके चले लगले, पहले प्रयागराज लेके गईले, अब प्रयागराज लेके गईले तो प्रयागराज आप सभी लोग गए हैं जितने लोग यहाँ हैं। तारा कली की नाथ हेजू से कितना दूर बा, कहले देखा हम धामे घूम चलता नहीं आ हमारा चले बा बनारस। लेकिन तारा रोके कहली कि कौन डगर जाई काशी हो नगरिया कुमार। अरे सुन सैया हमार हमसे बतलावा बतलावा। नैहर छूटल ससुरा छूटल छूट गे अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल छूट गे अयोध्या के राज हो। केकरा से कहबी अपना दिलवा के बतिया, हमार हो झर झर नैना बरसे जैसे सवनवा। तारा कर ली पुकार ए सुन सैया हमार हमसे बतला आवा बतला। बोल दी विश्वनाथ धाम की ए बाबू। हरिश्चंद्र राजा अपना रानी के लैका के लेके बनारस में पहुंचल बड़े। बनारस विश्वनाथ धाम हमारा शंकर जी के मेन जगह बनारस है महाराज। गैले तो कहले तारा से पूछले तारा यही जो हमने के बिकाए बा। विश्वामित्र बाबा कहले कौ दिन में बिकाई बा लोगे, तो कहले सरकार जहिए गहकी लाग जहिए जब बेच ही के बा। खेत तो बेचे के ना बा, गहना बेचे के ना बा, देह ना बेचे के बा, तो देह बेचे वाला गहकी जब लागी तब न बिकाई। हरिश्चंद्र का कहले पहले जौन डुगी लगावे ले सो मार्केट में ओके बोलवले, कहले भैया एक डुगी लगा दो कि बाजार में कल बाजार लगेगा, तीन लोग बिकने के लिए आए हैं। वो डुगी वाला बनारस मार्केट में घूमे लागल कि ए बनारस के वासियों तीन मूर्ति कल बिकने के लिए आ रहे हैं। एक औरत महिला है, एक छोटा बेटा 12 वर्ष का है, एक नौजवान पुरुष है, तीन लोग बिकेंगे। डुगी वाला डुगी लगवला से दादा कहियो बाजार में उतना भीड़ ना जितना भीड़ हो गए। फाजिल नगर में घूम के कोई देखो लड़का बिकाता तो जो लोग आ जाएगी ना, खाली देखे आई कि देखल जा के हो कैसन कहाँ के। कपड़ा बिकाला, सोना बिकाला, चप्पल बिकाला, मिठाई बिकाला, सजी बिकाता, लेकिन शरीर बिका बाजार में महाराज। वो भी राजा की शरीर छोटी बात थोड़ो ना है। भगवान शंकर जी कहले कि बिकाए खातिर तैयार गई ल, लेकिन सजी करे करावे वाला तो हम ही है ना। सत्य के धर्म बनोले धर्म के देखी सत्य धर्म दोनों जने के तैयार कैले। सत्य टप दे डोम बन गईले आ धर्म ब्राह्मण बन के वही बाजार में गईले। अब बाजार में बोली लगा ता तारा के हाथ जब हरिश्चंद्र पकड़ ले और रोहित के हाथ पकड़ के जब बोली लगवले तारा कली नाथ हफ्ते बिकाए के बटले बा। पहले ही बताई बाजार में बिकाई के पहले रौरा बिकाए की हम। हरिश्चंद्र कहले अपने मुंह से कैसे कहीं की रानी तो के बेचब। जकरी मांग में सिंदूर लगवले बनी ओके बाजार में ले आके बेची हमार मनोबल कैसन होता। लेकिन तारा से कहले तारा पहले तू ना बिकेबू
अच्छा बताई कैसनो मेहरारू हो चाहिए कि हमारा मर्द पहले भी कहा जा चाहिए। तारा कलीनाथ पहले कान खोल के सुन ली, अगर बाजार में बोली लागी तो पहले हम बिकाए, चाहे जे गहकी लागे पहले हमार गाहक खोजी एक रुआ बिकाए। हरिश्चंद्र कहले तारा हम बिकाए। रोहित कहले पिताजी केहू ना बिका, पहले हमरा के बेच के पैसा बाबा के देन दी, सोना दे दी। तारा रोए लगली कहली भगवान ई कौना नगर पर ले आकर खड़ा कर दिया, हम अयोध्या के रानी रहली हाँ, आज ये मोड़ पर ले आगे खड़ा कैले बड़े कि आज हमनी के तीनों जनी बिकाए जाता नहीं जा। हरिश्चंद्र बहिया पकड़ के बाजार में बोली बोला तड़े ध्यान दीजिएगा, अरे आए काशी के बासियों अब सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। हरिश्चंद्र कहले कि बाजार में बिकने के लिए आए हैं, इनका गाहक कौन है? ए दादा आगे पीछे कहीं ना तकले टप दे जाके पंडित जी गोई ले लो बाजार में, आ जाके तारा के बहिया पकड़ ले ले, तारा के हाथ पकड़ ले ले। और तारा के जब बहिया पकड़ ले तो पहले हरिश्चंद्र के बड़ा दर्द हो, मान लो जो सौदा बिकाता हो करके बाही पकड़ी तो उनका मान के छोड़ा पैसा पर न बिकाता हो। हरिश्चंद्र कहले तारा बाह तो तुहार पकड़ ले ले बाबा, अब तब एक बिके के नंबर आ गई। तारा कली नाथ हमारा दूसर कष्ट तनाबा, लेकिन रउरा से एक बात कह, हमने कह जहिया हमारा मांग में सिंदूर रउआ डरली तैया सात बेर भौरी लेली, आ हमारा माई बाप से कहली कि तुहरा बेटी के कोनो कष्ट ना हुई, लेकिन वादा करा हम तो बिका के जा तनी, लेकिन हमारा और नजर तुहार जाई कि ना जाई, कबो हमरो के देखे अबा कि ना अबा। हरिश्चंद्र कहले भगवान कौना मोड़ पर ले गए रउरा के तरह का करता नहीं। हरिश्चंद्र के आंख में आंसू आ गई, तारा खवरिया में पकड़ के हरिश्चंद्र के रोवे लगली, कहली ना थपते जाता नहीं का जानी तो से हमरा भेंट फेर हुई कि नहीं हुई, अरे जौने सौदा के बेचा तड़ ई का जानी पंडित जी हमरा से कौन पहले कौना तर से व्यवस्था रखी है, जाए के तो जाता नहीं, लेकिन अब तो से मिलन फेर हुई कि नहीं। तारा रो के हरिश्चंद्र के गोड़वा पर गिर के कहली ना मांग में सिंदूर लगोले बड़ा तुहरा अर्धांगनी बन के आयल बनी, अगर हमसे कोनो कष्ट भइल हो तो के क्षमा करिया, अब तक दूसरा के हाथ से हाथ धरावत रह। लेकिन तारा जब चले लगली तो तारा रो के कहली आर मिलने से नाताजू, आर मिलने से नाता अछूटल पिया, मिलने से छूटले पिया मिलने से नाता, राज छूटल पाट छूटल अयोध्या छूटल पिया।
आज विश्वनाथ के नगरी में तारा के हरिश्चंद्र बेच दिले, लेकिन तारा जब जाए लगली तो कहली महाराज एक निवेदन बा, पंडित जी से कहली, कहले का आ तो हमके तो लइए चलतनी, छोट लड़का एगो हमार रोहित बा, रौरा कहती तो अपना साथे ले ले चलती, आ जौने रोटी भात दे उतने में भोजन करके हमारा बाबू जी हैं, लेकिन अपना साथे महतारी कबो औलाद ना छोड़े ली। अच्छा बताइए पिता में माता में अंतर है कि नहीं है? नहीं अंतर है, नहीं अंतर है। अरे आपसे बार बार कहते हैं बेटा दुआरी पर आवा था तब बाप कहीं आ गई ल, आ गई ल, बेटा लड़का दुआरी पर आवता तो बाप कहीं आ गई ल, तो कहीं आ गई ली, आ माई मिली तो कही बाबू कुछ खैल है कि ना, कुछ खैल है, माई बाबू के खाइल जो है ले, आ तनी लेके पर्दा उठा के भीतर जाई है तो वो पूछत या कितना कमाइल है, कमाई के चाहिए, नहीं बोलोगे? कैसा भी औरत होगी पुरुष की कमाई जो होती है महाराज, और माई बाबू के खाइल, आज उमाई कहली कि हम अपना बाबू के साथे लेके जाए, चाहे हमके जौन रुआ देवे में भोजन करा ले, लेकिन रोहित के लेके चले लगली तो हरिश्चंद्र सोचत अब तो इनका बेच देली, अब हमरा खातिर गाहक के आवता, लेकिन सत्य धर्म दुर्जन शंकर जी की कृपा कभी कमी नहीं होती है, जहां पर कृपा न कर ही पुरारी सो न पावे मुनि भक्ति हमारी, शंकर जी की कृपा जब होती है तो राम की कृपा। जो भी व्यक्ति यहां बहुत सी चर्चा वाले लोग बैठे हैं, केवल शंकर जी का नाम जप करके आप चाहो कि भगवान मिल जाए तो राम जी आपसे विपरीत रहेंगे, शंकर जी प्रसन्न नहीं होते हैं, शंकर जी के इष्टदेव राम जी और राम जी के इष्टदेव शंकर जी, ये दोनों एक के एक पूरक हैं। और कथा समझने वाले लोगों से एक निवेदन करें, आप प्रवचन में जब बैठे हैं तो एक चीज जरूर जानिएगा, एक वो देवता के रौरा माने के बाद तक कांटा करके मानो, लेकिन राम और शंकर को मानना है भोलेनाथ को राम जी को तो ये दोनों को पकड़ना पड़ेगा महाराज। अब हरिश्चंद्र बोली बोलता है तारा के तले के पंडित जी चल गए, अब बहिया अपन हथवा उठा के वही समाज में बोलता है, अरे ऐ काशी के बासियों अब सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार, काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा, वही बाजार में कलुआ नाम के डोम गइल बा तनी अब हमरा और ताकत। अच्छा एक बात बताइएगा, बनारस से आप जाते हैं तो आज भी हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, बनावटी कोई सौदा नहीं है। इस कथा को जब समझ में बात आ जाएगी तो महाराज दिल पर तो उतरने वाली बात होगी। हरिश्चंद्र गई बड़े हैं आ तारा के रोहित के तो पंडित जी के साथे लगा दिले, लेकिन इनके गहकी के आवता वही बाजार में कलुआ डोम, सत्य धर्म दो लोग आए हैं, भगवान शंकर जी की लीला है, सत्य जाके पंडित जी के किन ले, आ धर्म कलुआ डोम बन के दौड़ के जाके राजा के हाथ पकड़ ले। हरिश्चंद्र जब रूप देखले तो कहले ये डोम बड़का फेटा बनले रहे बड़ी बड़ी मोच, अरे डोमे के चेहरा रूपरेखा आप सभी लोग जान ही रहे हैं, शरीरिया हमने के लिखा बा लेकिन कपड़वा चिन्हा जाए कि हाँ। हरिश्चंद्र के बहिया पकड़ के पूछले कितना कीमत बा, हरिश्चंद्र कहले 30 भर सोना तई दे के हमरा रानी के 60 भर सोना दे बा, विश्वामित्र बाबा कहले हमके जल्दी मिले हम छुट्टी करी चली, विश्वामित्र बाबा कहले नारद बड़ाई बतिया के अला लेकिन आज फैसले बा, 30 भर सोना कलुआ डोम दिहलस, आ हाथ पकड़ के जब बाजार के बाहर लेके चलल तो कलुआ डोम पूछलस कि बताओ तोहर नाम का है, हरिश्चंद्र कहले हमार नाम हरिश्चंद्र, कलुआ डोम कहलस पहले तो तोहर नाम ही ना रही, आज से तोहर नाम ना, हमरा डोमे घरे जातल तोहर नाम आज से हरिया धरतनी, हरिया हरिया कह के बोलावल जाई, डोमे घरे VIP नाम नहीं चलेला, हरिया कह के बोलावल जाई, बोला संतुष्टि बड़क ना, कहले महाराज हमको संतोष है चलिए
कहले कि डिप्टी कौन करे बा नौकरी, कहले तो सुअर ना चढ़वाए, बांस बेना सुपा ना बिनवाए, कहले तब काम कौन दे तल, कहले तो के काम ही है देव की, श्मशान घाट पर जितना लाश आई, घाट पर जितना लाश आई सारा लाश जरवई है, आ कर कफन ले के लाश जरावे दी है, ओजू के दक्षिणा बिना ले लाश जरावे मत दी है। हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ ई कहाँ कहाँ भेज दे, हम अयोध्या के राजा रहली हैं, आपसे बताए हैं ना, रामायण में रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है पृथ्वी पर, आप चाहे जहां घूम लो, चाहे जितना पूजा कर लो, जहां जाना है चले जाओ, कोई प्रयाग नहा लो, कितना कथा सुन लो, लेकिन सत्य के सामने सारा चीज फेल है। महाराज बाबा ने लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के एगो डोम ले जाता है, अब देखी घाटे पर, घाट पर गई ना, समय बड़ा बलवान होला ए बाबू, समय बड़ा बलवान होला। उ गीत तंदे दी हम मेहंदी लगल ना, जीवन में जेकरा ये ना ही बुझाइल कि हमरा देही के का होई। हमरा जीवन में बहुत सारा कथा आवेला, लेकिन कथा जो ना मंच पर हम बोलल बनी, अब बड़ाई के पात्र तो अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस कथा से 100% लोगों का सुधार हुआ है ये मेरा गारंटी है। आप लास्ट तक कथा को बड़ा प्रेम से सुनिएगा। ये मेहंदी लगल्ला बजल सहनाई, कैसन हो तराम हमरो विदाई, मेहंदी लगल्ला बजल सहनाई, कैसन हो तराम हमरो विदाई, मेहंदी जोरी, कैसन बेदर्दी बा, कैसन बेदर्दी बा, अरे कैसन कसाई, कैसन हो तारा हमरो विदाई, मेहदी से चोली, काहे लोग हटावे लगले देहिया से चोली, अरे कितना बचाई अब कितना लजाई, कैसन हो तराम हमरो बी
दी। बड़ा रे भयावन लागे आजू के रतिया, बड़ा रे भयावन, बड़ा रे आजू के रतिया, केहू नाही राजी बाटे बन के संहतिया, केहू नाही राजी बाटे बन के संहतिया, केकरा दुअरिया के, केकरा दुअरिया के असरा लगाई, कैसन हो तराम हमरो मेहदी लगल्ला बजल सहनाई, कैसन हो तारा हमरो विदाई, मेहदी लगल्ला बोल दी सच्चे दरबार की जय। इहो विदाई विदाई है हा, जैया तारा के विदाई माई बाप कैले हुई है, तब पालकी में चढ़ल हुई है, गांव के सखी सहेली गई हुई है, सारा व्यवस्था के साथ लड़की विदाई होली महाराज। लेकिन आज तारा के आपन पति हरिश्चंद्र बेच दिले पंडित जी की यहाँ लेके गईले, आ हरिश्चंद्र कहाँ नौकरी करता ना तो डो में की हाँ। यहाँ जितने हमारे बाबू लोग हैं थोड़ा कथा को गौर से समझिएगा। पंडित जी की यहाँ जब तारा गईली तो तारा कहली कि महाराज पहले हमके बताई हम कौन काम करब, पहले ही बताई संबंध हमारे राउर का रही। भगवान के दरबार में जहाँ अच्छा काम करने वाले लोग तो अच्छे ही मिलेगा ना, भले बिके हैं लोग लेकिन गौर से सुनिएगा। पंडित जी कहले कि तोहरा जितना घर के भगवान के पूजा पाठ के झांकी बा, एक सुंदर सजैया पोछिया सुंदर बनावा, रोहित से कई दर रोज फूल तूर के ले आवा, माला बनावा भगवान के चढ़ावा, अगर पंडित के घरे आयल बड़ू तो ब्राह्मणी के काम तो के देता नहीं, तोहरा यह काम करेगा बा। तारा बड़ा खुश भैली, कली हमसे राउर संबंध, कहले तोहरा के अपना घर के एक सदस्य मानता नहीं, हमसे गलत कोनो नाजायज संबंध दुहार ना बा। तारा बड़ा खुश भैली रहे लगली, खुश हो गईली, कहली राजा बेचला तो जरूर लेकिन कोनो आदमी से भेंट हो गई बा। भगवान के लीला बड़ा अजीब होला, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। हरिश्चंद्र के डिप्टी लागल बा, उजू तनिक कड़े डिप्टी बा, कबो 3 बजे डोमिनिया रोटी लेके आवे, कबो पानी तौला में लेके आवे, ए हरिया ए हरिया। हरिश्चंद्र कहे कौ बेर बुलावा बोलब तना, महीना महीना बीत जाता पानी से मतलबे ना, वो भोजन से मतलबे ना, गंगा महारानी के किनारे वही तरह भगवान शंकर के ध्यान देके हरिश्चंद्र पहरा देता, लेकिन वो पहरादारी में कोनो के भाई मरल बा जवान लेके आवता, वो घाट पर कोनो के माई मरल बा, कोनो के बहन मरल बा, कोनो के नौजवान बेटा मरल बा, महाराज कई हजार लाश रोज जरा था। जब हरिश्चंद्र देखे तो कहले कि हमार बेटा रोहित कैसे हुई है, हमार तारा कोना तर से हुई है, पंडित जी की यहाँ बेचक तो बेच दहली, अने तारा के चिंता लागल बाकी राजा के करे घरे गई ले, हमारी स्वामी के ले गई। लेकिन भगवान के लीला बड़ा अजीब है, तुलसी बाबा लिखले बड़े कि होइहन वही जो राम रची, परमात्मा जो करते हैं बड़ा बढ़िया करते हैं,
डिप्टी लागल बाब रोहित रोज फूल तूरे, लेकिन भगवान शंकर जी कहले सजी लीला तो चलते बा, विश्वामित्र बाबा अभी ये फेर में परले बड़े। टप दे सर्प बन के गेले देखी वो घाट पर अभरी, और रोहित के डसत आया सांप। आ जब सर्प कटले बा लड़का दौड़ल बड़े कहले तारा ए तारा। तारा कली का भाई छोटा छोटा बच्चा कहले तोहरा बेटा के सांप कटले बा और जो मारल बा फुलवारी में। तारा जब सुन ली तो कहली विधाता सब कुछ चल गई, बिकाई ले लिया बढ़िया जगह पर कोनो बात ना रहल है। लेकिन आज हमके उतना बड़ा ठोकर लग गई, शंकर जी के दरबार में जेके बेटा ना मिलल बा वो बेटा मांगे अवेला, जेकरा औलाद ना बा ये दरबार में बेटा लोग मांगे अवेले, हम बेटा लेके ले लिया बेटा मर गई। भोलेनाथ तोहरी दरबार में लड़का मर गई, तारा दौड़ल बड़ी हमारी बहने बेटियां बाबू लोग और करेंगे। जब वो जगह पर गई बड़ी तो रोहित के गोरवा में उठा के रोवे लगली, कली रोहित एक बेर माई के देख ला बाबू तोहर माई बुलावतिया। रोहित कहे के ताके रोहित भगवान के लीला समलबा। तारा कली कि भगवान अब केकरा दरबार में कौना जगह लेके जाई, कौना जगह। आज तकले रौरा बहुत देखले होखब अपना बेटा के लाश केहू नाई बात, मामा फूकत रहे, मौसा फूकत रहे, चाचा फूकत रहे, लेकिन तारा अपनी बेटा के लाश कैसे लेके चल ली, आधा साड़ी पहिरले बड़ी, आई आधा साड़ी में कफन बना के रोहित के लपेट के कोरा में ले तरी। देखे वाला लोग के बाबू तारा सोचा तड़ी कि अब अगर हरिश्चंद्र राजा हमसे पूछिए गिरानी बतावा तो हर बेटा का भाई कौन उत्तर दे, बेचे के तो हमके बेचला लेकिन साथे लेके आई बनी। अयोध्या छूट गई, स्वामी से रिश्ता टूट गई, एगो बेटो लेके आई है तयहू के आसरा टूट गई। अब केकरी शरण में केकरी दरबार में जाइए घाट पर। लेकिन गोद में जब बेटा लेके चले लगली तो जो भाव देखब कितना सुंदर बा, गोदी में हमके देके ललनवा, अरे छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता, गोदी में हमके देके ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता। हरिश्चंद्र दानी के सबया रानी के, हरिश्चंद्र दानी के सब्यानी के, दर दर घुमा वाला ठोकर लगा वाला, अरे हमारा न कुछ छूटल जन्म के इनाता, का कैला ललनवा,
छोरी ली हलाए विधाता का कैला ए विधाता विश्वनाथ धाम की। आधा साड़ी अपना देही में पहन ले बड़ी हमारी बेटियां बहन गौर करेंगी, आधा लुगा में अपना बाबू के लाश लपट ले बड़ी कफन बना के। अबला नारी तेरी लंबी कहानी है, माई की यहां बात तबो बेटी के कष्ट बा, ससुराल में जाई तबो कष्ट बा। जब तक जीना है इन बहनों को तो महाराज कभी देवर का बात आएगी, कभी पति का बात आएगी, कभी सास की बात आएगी, कभी गांव वाले दुनिया वाले नारियों को जीने नहीं देते हैं महाराज। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान दीजिएगा। तारा वही घाटे पर लेके बाबू के बेटा के लाश रोवत अड़ी की भगवान, ये घाट पर आयल वाली कौना जगह बाबू के लाश लेके जाई, हमारा बाबू के कैसे दाह संस्कार हुई। तबले आवाज आवाता सावधान, बिना कर कफल दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। तारा कहली महाराज ये घाट पर आइयो गई नहीं आई, आवाज दिए तड़े की बिना कर कफल की लाश नहीं जलेगी, ये आदमी है कौन। शाम के बेरा बा देखी, बड़ा भाव से कथा को सुनिएगा। तारा लसिया लेके आगे बढ़त रही धीरे धीरे, और उन्हें से हरिश्चंद्र आगे बढ़ता ना मुनहार हो जाता। एक बेरा उरी आवाज धले सावधान, बिना कर कफन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। तारा कहली आवाज हमरा पहचान में आवत आई, समझ में आवाज आवत कि अच्छा बताई आपन पति अगर 10 साल के बाद बोले तो वो आवाज के पहचान जाए कि ना ना पहचान। अब 12 बजे रात के रूरा घर में दूसरा व्यक्ति केहू आवता पैरवा धरत में रूरा जान जाए कि हमार हस्बैंड ना हो। तारा जब आवाज सुन ली तो कहली तो हमारा पहचान के आवाज बाई, ये तो हमारा स्वामी के आवाज है। लसिया लेके बाबू के रोते अगवा बढ़ली। हरिश्चंद्र कहले कि बिना कर कफन दिए लाश यहां जलाना नहीं है। तारा कहली नाथ भले तू मुकुर जा न पहचान, लेकिन आज तुहरा सामने तुहार औरत तुहार अर्धांगिनी जकरी मांग में सिंदूर लगोले बड़ा, हम तुहार औरत हई जेके बेचले बड़ा पंडित जी के हाथे, शादी करके तू ले आयल बड़ा, अयोध्या छोड़ौले बड़ा तू, रात में सपना में सब कुछ दान तू कैले भरे, अल्लेया के बाजार में बेचे वाला तू हो, लेकिन ये को गलती हमरा से भइल बा, तोहर बेटा मरल बा, लाश लेके घाट पर आयल मली। बोला लाश जरी कि ना। हरिश्चंद्र कहले ना हमार केहू औरत बा ना हमार बेटा बा, हमरी आगे पीछे केहू ना बा, हम एगो डोम के नौकर ही नौकर तक सीमित बानी, हमारा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी हम तुहार औरत हई। हरिश्चंद्र कहले नहीं हमारा कोई नहीं है। तारा कली अच्छा ये बतावल लाश जरी कि ना। हरिश्चंद्र कहले लाश जरी, हम मना ना करब, लेकिन बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली कि राजा बतावा मुनहार के टाइम बाद लड़का के लाश धो के कहां भीख मांगे जाई हम, एगो बेटा खातिर हम अयोध्या के रानी कहियो रहली। समय बड़ा बलवान होला बाबू, समय बड़ा बलवान है, कहियो अयोध्या के रानी रहली, हमके तारा कही के सभ्या कही के तू बुलाव, बेटा के रोहित बुलावा, रोहित के जबले गोद में ना उठावा तबले तोरा चैन ना रहे। आज तुहार बेटा मरल बा एकर लासी के कफन कर मांगे तरह तू लाजरी कि ना। हरिश्चंद्र कहले बिना कर कफन के लाश ना जली। तारा कहली राजा अगर तुहू ईर्खा पर बड़ा तो आज घाटे पर हमरो ही है ईर्खा बा, तोहरे देहर साड़ी पहले बनी राजा, तोहरे पहरावल कपड़ा है जो दया से जब चलल बनी, तोहरे दिहल मांग के सिंदूर है जो आज हमरा मांग में बा, मंगल सूत्र हमरा गठई में तोहरे दिहल बा, अगर ये पर आ गल बड़ा तो अपन साड़ी जौन हम लपटले बनी, आधा साड़ी बाबू के कफन में लपटल बनी राजा। अब तोहसे यह निवेदन करब हमरा लग दूसर व्यवस्था ना बा, हमरा साड़ी में से फार ले राजा, हमरी साड़ी में से फार, तोहसे रिश्ता तब हमार समाप्त बा, लेकिन ला हमरी साड़ी में से फार।
हरिश्चंद्र सोचे लगे लगी भगवान ई कौने घाट के मोड़ पर ले अगर उरा खड़ा कर देनी, औरत के आंचल उड़ावल जाला, औरत के नंगा के पुरुष ना करेला, लेकिन अपनी अर्धांगनी के साड़ी फारे के औरत कहती या हमार प्रश्न भी है बाकी बिना कफन के लाश ना जरी। तारा कहले कि राजा अब हमरा के केहू के बोलावे के ना बा, तोहार दिहल साड़ी है आ तोहार कर कफन चाही, हमरी साड़ी में से कफन फार ल राजा, साड़ी में से कफन फार ल, अपना बेटा के कफन ले ल, कर ले ल राजा, लेकिन बेटा के लाश जरावे द। हरिश्चंद्र सोचले कि साड़ी पकड़ी कि ना पकड़ी, सोचले कि साड़ी तो फारल जरूरी है, बिना कर कफन के लाश जराई तो डोम के वहां से शिकायत हुई, जवना के नौकरी करता नहीं। जब चार डेग आगे बढ़े तब आज भैल की जाए हरिश्चंद्र, अपनी औरत के साड़ी पर हाथ न लगई है, जितना तोहार परीक्षा बा सब यही जो गलत हो जाई, लेकिन भगवान भगवान पर भरोसा लिखल बा कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन। बनारस में गए बने भोलेनाथ के नगर में, वहां से केहू भिखारी होके ना आवेला, जे जौन मंगले बा बाबा से मिलल बा। आप लोग बड़ा प्रेम से कथा को समझिएगा। आर्यनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले। बहने हमारे बाबू लोग थोड़ा हाथ उठाइएगा सब लोग। जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। बोल दी शंकर भगवान की। पूरे क्षेत्र के लोग यहां इकट्ठा हैं, थोड़ा गौर करिएगा। भगवान को अपना मान करके जो काम करने वाला व्यक्ति है कभी नुकसान होगा उसका? हो सकता है। सेवरी का नुकसान हुआ, केवट का नुकसान हुआ है, अजामिल का नुकसान हुआ, सुदामा का नुकसान हुआ, नहीं बोलेंगे, ध्रुव का नुकसान हुआ है, विभीषण का नुकसान हुआ है, हरिश्चंद्र खतरा में पड़ेंगे। कुल्ही करने के बाद खतरा में व्यक्ति पड़ जाए तो यह भगवान की बदनामी होगी कि नहीं? नहीं होगी। परमात्मा की बदनामी होगी, भक्त का नहीं होता है। भक्त का कहां बदनामी होता है? अगर ओरिजिनल भक्त है और उसकी कोई शिकायत आ जाए तो यह बदनामी तो भगवान को सहना है महाराज, क्योंकि भक्त तो भगवान है, जुड़े हुए हैं ना। मोरे मन प्रिय अति विश्वासा, आराम से अधिक राम कर। जिनके अंदर दम है महाराज तो कुछ करवे करेंगे। जब आवाज आयल तो तारा कलीनाथ पहले ही बताई साड़ी में से फारब कि ना। हरिश्चंद्र कहले तो बड़ा गड़बड़ बात हो गई, लोग आवाज आवता कि साड़ी को फारना नहीं है, तो साड़ी फरबो ना करी तो डोम के वहां से बदनामी होगी, आ यहां से यहां तो है ये है, लेकिन जगह बड़ा खतरा में जगह है आइल बा। एक बात बताई, यहां जितने लोग आए हैं हम लोग के शरीर के लिए कफन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, और लगना जरूरी है कि नहीं? भगवान करेगी सबके कफन लगो। एरोप्लेन में जहाज में जो मरेगा उसको कफन की जरूरत लगती है, वो तो राखी बनकर तुरंत गिरेगा, लेकिन हम लोग चाहे एक्सीडेंट हो, ऐ बाबू कहीं किसी तरह से मरे, लेकिन कफन पोस्टमार्टम होगा तभी लाश मिलेगी, कफन लगेगा।
तो कफन की जरूरत है। आज कफन की थोड़ा सा एक मिनट बीच में ब्रेक लेंगे हम, और एक निवेदन और करेंगे जितने लोग हैं, जब तक रोहित जिंदा ना हो जा और पूरे कथा का मैटर आप समझ ना लो, आप कोई लोग बाहर नहीं जाएंगे। और जो लोग मरे लड़के को छोड़कर जाएंगे सबसे दोषी वही होंगे, चूंकि भगवान की कथा चल रही है। इमें के चाहता कि वीरेंद्र बाबा ये लड़का जिंदा हो जाए। थोड़ा हाथ उठाइएगा सब लोग, उठाइए हाथ मजबूती से, ताली बजाओ बजा रहे। महिलाएं नहीं आएंगी, महिला कोई नहीं आएंगी, केवल पुरुष लोग आएंगे। और दान दे करके जा करके बैठ जाना है कि बाबा कफन के लिए 100 रुपया आज हम दे रहे हैं, 50 रुपया हम, 20 रुपया हम, जितने पुरुष लोग हैं सब लोग आ जाए। तन जगह हे पड़े आवक बा, हे पड़े जाकर वापस चल जाए। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, आप नीचे उतरने के बाद प्रणाम करोगे, यहां पैसा हमको नहीं चाहिए। आगल बता दे बाबू, बाबू अब को हम यहाँ के तरीसी आई गई। अरे हजारों का मेला जुड़ा, हो हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। नए राजा रहा ना ये रानी रही, नए राजा रहा ना ये रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। नए राजा रहा ना ये रानी रही, नए राजा रहा कहने सुनने की बस एक कहानी रही। तेरे संग में ना ओ तेरे संग में ना, तेरे संग में ना कुछ भी अधेला गया, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कोठे महले पड़े के पड़े रह गए, कोठे महले पड़े के पड़े रह गए, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। कोठे महले पड़े के पड़े रह गए, कोठे महले पड़े के पड़े रह गए, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। तेरे संग में ना ओ तेरे संग में ना, तेरे संग में ना कुछ भी अधेला गया, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो। जितना माया बना करके हम लोग बैठे हैं ना, ये माया हम लोग के साथ में जाने वाली बात नहीं होगी महाराज। बड़ा प्रेम आप बेटा से करते हैं, बेटा साथ नहीं जाएगा। बहू से बड़ा प्रेम किया जा रहा है, साथ नहीं जाएगी। अपना हस्बैंड अपनी औरत साथ नहीं जाएगी।
लेकिन साथ जाता क्या है? कहीं नहीं लिखा गया है कि बेटा नाम सत्य है, रुपया नाम सत्य है, खजाना नाम सत्य है, दुकान नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है। क्या लिखा गया है? राम नाम, राम नाम, हरिकांत जी छठिया। कितना भाई? 11 किलो चीनी। हनुमान जी कृपा करे, परिवार में मंगल हो। भगवान शंकर जी डायरेक्ट कहे हैं माता पार्वती से कि उमा कहो मैं। ये भगवान शंकर जी अनुभव बता रहे हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है जो आप देख रहे हो, ये सपना है। अपना क्या है? तो जैसे राम का नाम आप लोग परमानेंट बताए हैं कि कलयुग केवल नाम है आधारा। आज कलिकाल में किनके नाम पर गाड़ी चल रही है? नाम पर। तो नाम कौन? नाम बेटा के नाम तो दिन धरा पार हो जाएगा बा, पति के रातों दिन नाम धरा, लड़की के नाम ना, परमात्मा का नाम। कम से कम एक आध घंटा तो स्मरण करो भाई। चाहे हमारे माननीय श्री गोविंद शास्त्री जी आजमगढ़ से आज 200 साल से इस मंच पर कथा बोल रहे हैं, चाहे गोविंद शास्त्री जी बोलवाएं, चाहे जो भी प्रवक्ता बोलवाएं, वीरेंद्रो कहते हैं कि सीता राम 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 कहो आप। हम लोग कहवाते हैं उतना फल नहीं मिलेगा जितना आप लोग कहते हो। हम बार बार ये बात कहते हैं, राम का नाम जिस पत्थर पर लिखा गया था ये पत्थर डूब जाता था। राम जी अपने हाथ से जो पत्थर फेंकते थे पानी में ये डूबता था, लेकिन राम का नाम जिस पत्थर पर लिख करके कोल भी जितना फेंकते थे, भालू बंदर जो फेंकते थे, ये पत्थर तैरना शुरू करता था। ये भगवान के, भगवान में शक्ति है कि नाम में? नहीं बोलोगे? अरे भाई नाम में शक्ति है ना, आई नामे पर हरिश्चंद्र खड़ा है कि जेकर नाथ भोले नाथ। कथा यही रोके है ना, अनाथ कैसे होई। विश्वास जिनको है परमात्मा पर, जो लोग तारा दुकान पर नहीं सुनात रह, कितना कमेबा लोगन, 101 रुपया नगद 2 किलो सेब निम्न रह लोगन। मार्केट के लोग बड़ा कदर हमारा इज्जत करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप लोग इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं देते, तो इतने लोगों की क्या जरूरत यहां थी मारा? नाम पर ही लोग आ रहे हैं और नाम का चर्चा साथ साथ में आपसे जुड़े व्यक्ति हैं। अच्छा बताइए, हमारी कथा जो भाषा में होती है भोजपुरी, आप लोग समझते हैं कि नहीं? हमसे बढ़िया तो भोजपुरी हमारा गोविंदो भैया आप बोल लेता है। हम सुनी लेना, कहीं कहीं बड़ी इतना मार्के का भोजपुरी रखते हैं। एक दिन उगाओ तो रहे कौन भोजपुरी, वो बतावा ड्राइवर बाबू डरावा किराया लेबक के तना। पारा जी गलती बोलता नहीं तो हम कहनी तर्ज तो बढ़िया बढ़िया टिपले बड़ाई हो। हम लोग एक गेम के खेलने वाले मैचलर हैं, तो जैसे आप लोग रिझले भगवान रिझे ल रिझावे ल कमने गुनवा पे, हम लोग के बाणी से आप लोग प्रसन्नता लेते हैं। अभी कल ये और रामायण जी कहे कि गोविंद के सथवा कौने विद्वान के बोलावल जा कि लोगवा जुट जा रतिया के कथवा जम जा। हम कहानी स्टैंप ले आवाज हुए लिख देता नहीं, गोविंद के लगे केहू विद्वान के उत्तर प्रदेश बिहार के केहू के बोलाई बा तेजू से फैले होकर दू दिन में विदाई हुई। गोविंद गोविंदे हैं, गोविंद के साइड में कोई आने भाई ऐसे थोड़ो ना महाराज। जो जितना है ना, यहाँ जितने विद्वान आ चुके हैं, हम हमारे तो घर है जो कुशीनगर जिला में, कोनो विद्वान थोड़ो ना हम आई, हल्का फुल्का बोल ले ले इतरवा पच के बैठ के मैंने रिझा ले तनी दो चार जने बैठल मैंने, कथाकार हम नहीं है, हमको अपना बेटा भाई मान करके मेरी कथा समझना। परौरा जिला के रहे वाला बानी, वीरेंद्र के घर हाँटा के बगल में बा। अब परिचय जेकरा जेकरा ले खो आज अब्बे नंबर मोबाइल नंबर बोलो, आ कार्ड जिनको लेना है ले ले, आ कहीं से ना मिले तो बैठले वाला इनसे ले लिए लोग। रामायण से बोलो शंकर भगवान की जय। कहो कोई कोई खाई जाई, कोई कोई खाई जाई, ओई पर दछड़ा धो दिया 500।
दिहले में बड़ी मास्टर हमारी आई ना जगी करावत ना बड़ी बहादुरी बा ठीक बा देने में बड़ा ये हमारे घर गए थे घर वहां गए ललिन ये सिखौले रे लियो नीचे मंजिल पर लोग बैठे थे हमारे और बनी रहे कमेटी लाख लाख आशीर्वाद इन कमेटी के यहां तो कोई ऐसा मेंबर दिखाई भी नहीं देता है और रामायण अपने बल पर दो चार लोगों को लेकर के जो जके रहते हैं बारिश आवे तब वो बुनी आवे तब वो आनी तूफान आवे तब वो पहले तो लाख लाख आशीर्वाद ही साउंड ऑपरेटर जो हमारे पारस जी बैठे हैं मशीन पर जिनकी ध्वनि आप पूरे मार्केट में सुन रहे हो जेकरा जेकरा बियाहे लगनी तिलके में मुड़ने में जोगी में बजवाओ के बासो बिना पैसा के सट्टा करता है पैसा ना ही लिया जे जे बोलाई उकरा घर जाइए गलत नहीं होता हो भीतर कहता है ऐसा कोई नहीं कि खतरा बना दे लो कहता ना ठीक भाई एक बेर चल जाए एक बेर में तो फाजिल लड़के लोग फंसाइए थी बोलो शंकर भगवान की जय तारा कली की नाथ अब हमारा लग कौन मंत्र दूसर ना बा अगर उरा कर कफन ले के बात साड़ी हमारे लिए फार ली लेकिन आवाज आई कि ए हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी पर तू हाथ मत रखी है आज अभी आवाज आई तो हरिश्चंद्र तीन डेग पीछे हटले तारा कली एकर मतलब हमारा पति में कोनो दम जरूर बा बिना दम के तई भाषा हुई ना जौन बेटा के मान लेहल गल की मर गल बा और बेटा जिंदा हो जा तो करा भक्ति में शक्ति बागना ना बा नहीं है एक बेर आवाज आई दूसरा बेर जब पीछे बढ़ ले कथा में रहा नहीं आई घर से हुए लेके आओ कर ली हाँ कथा में ना आई ना दौरी आज हमार बात पूरा मार्केट गड़गड़ा दिले दौरी आज से हाँ दुकानिया छोड़ छोड़ पंच से हुआ लेके आवा था वीरेंद्र बाबा मांग दे तो चौलब जरूर है नाम बोलवा दे बाबू जी नाम बोलवा हाँ तो कबो कबो आ जाए दो तीन साल पर एक बेरे आ जाए चाहिए कहत अरे आज हम पहले आए मानी है बाबा कहा जा कौन मैजिक हमारे जादू में आ गल कि चल अली ये दादा एक बार मर गए के बाद पहुँचाओ जू हाँ का करे के कौन जोर तो बात ऐसा सर बात सुनल जाला घर में टीवी चला के सुना अरे कहाँ बीतवला ना हो रतिया कहाँ बीतवला ना अमाई के अकेले कैली रतिया ए रतिया कहाँ बीतवला ना अमाई के अकेले कैली अरे कहाँ बीतवला ना हो रतिया कहाँ बीतवला ना कहाँ बीतवला ना ए रतिया कहाँ बीतवला देवी के अकेले कैली रतिया ए रतिया कहाँ बीतवला ये बाबा जब से जोग होता है आज पहले आइल बानी हमार करजवा टूट गइल हो वो न वीरेंद्र बाबा आई तै नहीं आई थी 27 वर्ष हो गए का जाने कौने मोहल्ला के बाड़ी ओ पार किए पार निमने रह आ तनी कथा में आइल कर अगले साल कथा में रोज आई हो घर के तो रोज कथा बटल है बा बेटा कैसन पतो ही कैसन में आ घर के लोग कैसन हई कथा सुन की कैसन लोग बा हई घर परिवार दुकान बंद कर लोग आइल बा कथा में आने का प्रयास करो 27 वर्ष पर वचन हो गल कहतरी बाबा आज हम पहले आइल बा बहुत कष्ट हुआ है बाबू ऐसा ना कहा करें आप बोलो शंकर भगवान की जय अब देखी जब ये आवाज आई कि हरिश्चंद्र अपना औरत के साड़ी पर हाथ न लगैया अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनू जानी प्रकट हो गए ताली बजाई पर करे तीनू जानी आके खड़ा हो गई है भोलेनाथ कहले कि हरिश्चंद्र तोहार नाम के सामने लिखल बात सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य के सामने किसी का बाल बांका नहीं होता है
ब्रह्मा जी कहले सृष्टि के निर्माण करे वाला हम आई, तारा बेटा के नसीब तकदीर हम लिखले वाली। विष्णु भगवान कहले कि जितना व्यवस्था बा हमारी हाथ में बा, और तोहर बेटा एक घाट पर मरी, ये तोहर परीक्षा लेवे वाला ये लोग हो। अच्छा बताइए, झूठों का परीक्षा होता है कि सत्य का परीक्षा? भक्त का होता है कि घमंडी का? नहीं बोलेंगे? रामायण गीता ग्रंथ किसी भी पुस्तक से पढ़ना, किसी घमंडी का परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा तो भक्त का होता है महाराज। परीक्षा मोर ध्वज कुआ, परीक्षा सेवरी के भइल, अजामिल के भइल, केवट के भइल, सुदामा के भइल, परीक्षा हरिश्चंद्र का हुआ, ध्रुव का परीक्षा हुआ, जितनी भी पुस्तकें आप पढ़ लो, परीक्षा तो किसी भक्त का होता है। और भगवान सहारा किसका करते हैं? भक्त का सहारा करते हैं। देखिए बड़ी मार्मिक जगह कथा आई है। शंकर जी कहले कि हरिश्चंद्र तुहार बेटा मरल नहीं बा, ई तो हम लोग के सबके लीला, विश्वामित्र बाबा वही खड़े हैं। तारा कली महाराज लड़का मरल बा गोद मिले ले बानी, कहले कहां मरल बा ताक, तो रोही तो ही तर ताकत रहे माई को, ताली बजाए के बरिया रे। अब भोलेनाथ कहले की बताई, अयोध्या के रहे वाला वह खानदान है, राम जी के पूर्वज हमारे हैं, मनु शत्रुपा हरिश्चंद्र का नाम आप सभी लोग राजा दशरथ का नाम जान ही रहे हैं, दधीज का नाम जान रहे हैं, रघु का नाम जान रहे हैं। इस कथा में कहीं बाहरी मैटर नहीं है। कहले कि अभी बतावा अयोध्या के राजा बनब, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले सरकार अब राजा बने लायक कहाँ बनी, कहले तब गौलोक को भेज दें, कल नहीं अत बैकुंठ अतना अत सुरधाम, कहले ना कहले करब का, तो कहले अपने शरण में भक्ति हमनी का देई, अब भक्ति के साथ साथ ई वरदान दी कि हमनी के जीवन में तीनों जनी के जोड़ी कब टूटे ना। धरती पर माई के पेड़ से जिंदा हमनी का आवल जाला, लेकिन बाप या महतारी बेटा केहू जिंदा गइल बा बैकुंठ के, आप प्रमाण पढ़िएगा हरिश्चंद्र की कुंडली, इनके कथा को विधिवत जानिएगा। विमान आइल बा ऊपर से, तीनू जनी ब्रह्मा विष्णु महेश बास, कहले अपना तारा के लेके हरिश्चंद्र अपना बेटा के लेके चढ़ाए पर। हरिश्चंद्र कहले सरकार हम बुझ नहीं पौनी रिवरा का कहल चाहतनी, कहले कि आज संसार के लोग भगवान से हारेला, लेकिन आज हमने के तीनों जनी तो से हार मान के तह के लेके चलता नहीं। बड़ी सुंदर भाव है। अरे सत्यधारी के सत बलवान हो, सत्यधारी के सत बलवान हो, भगवान हारी गई ले, पुष्पक विमान ई अरे अकसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गई ले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गई ले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गई ले। अरे बाड़ू तू तारा महान हो, बोलो शंकर भगवान की, बाड़ू तू तारा महान हो, भगवान हारी गई ले, बाड़ू तारा महान हो, भगवान हारी गई ले, बाड़ू तारा महान हो, भगवान हारी गई ले। हरिश्चंद्र घाट देखा ओही जू लिखले, बाबा बीरेंद्र रौरा कह के सुनौले, बाबा बीरेंद्र रौरा कह के सुनौले, बाबा बीरेंद्र रौरा कह के सुनौले। ए अरे टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, जे जे कोनो भक्त के अपमान कई ओकरा फेर में पड़ल, तो पहले ओकर खानदान बर्बाद होला। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गई ले, विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गई ले, टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गई ले, बाड़ू तू तारा महान हो, भगवान हारी गई ले, ओ बाड़ू तू तारा महान हो, भगवान हारी गई ले।
आठवें दिन का मंच है, एक निवेदन कर लें। आठ दिन में वीरेंद्र बाबा बहुत सारा शब्द बोलल बड़े। अगर ये व्यास गद्दी से किसी को कठोर हमारी आवाज लगी हो, कहीं गलत बोल दिए हो, तो अपना बेटा भाई समझ करके हमको क्षमा करिएगा। हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, एक दास एक बेटा समझ करके अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे क्षमा करना। मोबाइल नंबर जिनको नोट करना है, नंबर नोट कर लें आप जिनके पास मोबाइल है, और ये सूचना सुन लें, अभी कोई मिस कॉल नहीं मारेगा, अभी नंबर चेक नहीं करोगे, आधे घंटे के बाद आरती के बाद नंबर चेक करेंगे आप। नंबर नोट करें, 98 39 52 54 62, 98 39 52 54 62, ये वीरेंद्र बाबा का नंबर है। सूचना आप सुन लो, शादी में प्रोग्राम करने के लिए बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, किसी के वहाँ विवाह है उसमें नहीं आएंगे, तिलक में नहीं आएंगे, नहीं इस तरह का। लड़के का मूड़न संस्कार है, एक दो दिन कथा आप विधिवत कराना चाहते हो शांति से तो हाँ हम आएंगे। लड़के का जनेऊ संस्कार है विधिवत, वहाँ बुलाएंगे। जैसे लड़के को कोसी भरा जा रहा है विधिवत किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के वहाँ, आप बुलाएंगे तो आएंगे। केहू मरल बा कजिया बा, काम होला ना, इच्छा बन जाता है कि बाबा को बुलाएं, बहुत लोग ऐसे मान लेते हैं, वहाँ हम आएंगे। मानस सम्मेलन कराना है, उसमें 5 दिन 10 दिन 2 दिन के लिए कथा कराओ, और यज्ञ के लिए तो महाराज हम तैयार हैं। लेकिन नंबर फोन करते समय बेटियां बहना सुन लें, कोई गार्जियन मेरे पास फोन करेगा, लड़कियां फोन नहीं करेंगी, समझ में आई ये बात, कोई लड़की फोन नहीं करेगी। अपनी माँ से फोन कराओ, अपने पिता से फोन कराओ, भाई से फोन कराओ, उसके बाद तुम बात करो। कोई लड़की मोबाइल को कॉन्टेक्ट नहीं करेगी, नंबर नहीं छुएगी। और लड़की को बोलना है तो पहले अपने माँ से बात कराओ, मैं यहाँ से बोल रही, मेरी माँ है ये, ऐसा नहीं कल करेंगी आप, क्योंकि कल बोला जा रहा है तो बहुत सारी बेटियाँ इसमें बैठी हैं, जब चाहेंगी टुनका देंगी। तो हम बार बार मोबाइल, चूँकि मोबाइल पास में भी नहीं रखते हैं तो इसको रिसीव नहीं करेंगे। अब आइए महाराज क्वेश्चन, तब आई अब प्राण जाए प्रवचन न जाई। इस चौपाई में कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। अयोध्या में जितने लोग पैदा हुए हैं नियम के विरुद्ध नियम के विपरीत काम नहीं किए हैं। रघुकुल रीति सदा, सदा माने जब से पृथ्वी है, हमारे हरिश्चंद्र के समय से ही कथा की चौपाई आ रही है। और ज्यादा कुछ संधि विच्छेद करना होगा तो हमारे गोविंद भैया बैठेंगे रात को, इस पर आप बुलवाइएगा। अब टाइम तो मेरे पास नहीं है चूंकि हमको भी जाना है। अब आप लोग थोड़ा इधर आ जाए, जिनको पैर और छूना है तो नीचे हम उतरेंगे, वहां गोड़ लग लीजिएगा। महिलाएं इधर आ जाए।